हेलो दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय है न्यू रामसर साइट। आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में रामसर समय समझौते ने भारत में चार नई आद्र भूमियों को वैश्विक महत्व की आद्र भूमि के रूप में नामित किया है। यह आद्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी आद्र भूमि है। यह मानव निर्मित मीठे पानी की आद्र भूमि है। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों का उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों, जिनमें निवास स्थान और उनका शीतकालीन प्रवास शामिल है, को पूरा करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुजरात में थोल झील वन्यजीव अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ 320 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गुजरात की वाधवाना आद्र भूमि इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों के समय रुकने के लिए स्थान प्रदान करती है, जिसमें 80 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रकाश करती हैं। ये आद्र भूमि मिस्र के गिद्ध, शेकर फाल्कन, सोशिएबल लैपविंग और संकटग्रस्त डेलमेटियन पेलिगन जैसी लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों का निवास स्थल हैं। इसके साथ ही भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है।